जो भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज के बीए, बीएससी, बीकॉम के छात्र हैं या फिर अन्य भी छात्र हैं तो वो सात दिन में परीक्षा की तैयारी कैसे करें यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ परीक्षा फिर सात दिन पहले एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे शानदार सबसे बेहतरीन सबसे यूनिक तरीका बताने वाला हूँ ये तरीका आपको पूरे YouTube पे आपको कहीं पर शायद कोई नहीं बता रहा है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं तो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखते रहेगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप अपने एग्जाम की तैयारी सेवन डेज में कर सकें ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं यह आपका अपना ही चैनल सक्सेस्ट हुई है और मैं संदीप आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर वीडियो आप पसंद आएगी तब करिएगा अदरवाइज मत करिएगा ठीक है तो चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं अदरवाइज़ आप कहेंगे कि फालतू की बकवास करते हैं सर ठीक है चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सात दिन में परीक्षा की तैयारी करना इम्पॉसिबल है सिंपल सा पहला उत्तर सुन लीजिए इम्पॉसिबल है ठीक है देखिए इम्पॉसिबल इस इसलिए है क्योंकि अगर आप कुछ अपने अंदर अपने अंदर कुछ आप एक्स मतलब कि ग्रहण करना चाह रहे हैं अपने माइंड में अपने जो आपका स्टूडेंट का करियर उसमें कुछ आप लोग डालना चाह रहे हैं तब आपके लिए सात दिन में कुछ भी नहीं हो सकता यदि आप सिर्फ और सिर्फ परीक्षा में पास होना चाह रहे हैं कि सर हम किसी तरह पास हो जाए ठीक है तब ये आप लोगों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है कि आप सेवन डेज में कर सकते हैं ठीक है लेकिन सेवन डेज में यानी कि सात दिनों में परीक्षा तैयारी करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं ठीक है बहुत सारे तरीके हैं लेकिन उसमें से जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ एक तरीका बाकी और भी तरीके हैं वो इससे नीचे आएंगे जो कि हम आपको किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक तरीका बताने वाला हूँ आप चाहे बी के छात्र हों चाहे बी के हों चाहे बी के हों या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हों आप कोई भी चलेगा चाहे भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हों ठीक है सिर्फ आप सेवन डेज में अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं ठीक है उसके लिए मैं आपको पहले बताना चाहूँगा चाहे आप बी के हों चाहे फर्स्ट ईयर चाहे फर्स्ट सेकंड सेकेंड सेमेस्टर के चाहे फोर्थ चाहे फिफ्थ चाहे थर्ड किसी भी चाहे फिफ्थ सेमेस्टर के हों या फिर आप ईयरली वाले

जैसे कि आप आज मान लीजिए दो और चौबीस के सेशन में तो उससे पहले के बाईस तेईस के सेशन के ठीक है किस सेशन के बाईस तेईस के सेशन के ओके और ठीक है इक्कीस और बाईस के सेशन के ठीक है ध्यान से सुनेंगे पहले मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप सभी को पहले तो आपको क्या कर लेना ध्यान से सुन लीजिए सिर्फ और सिर्फ आपको करना ये है कि 2000 ठीक है ये ध्यान से सुनेंगे 21 22 और ठीक है तेईस ये परीक्षाएं हो चुकी है लगभग लगभग लग, ठीक है या फिर आप बीस तो आप लोग क्या करिएगा 2021 हज़ार इक्कीस का मॉडल पेपर उठाइए जिस भी आपका सब्जेक्ट जो भी हो जिस भी कोर्स के हो हिंदी के है, तो आप पिछले साल का हिंदी का दो हज़ार इक्कीस का मॉडल पेपर उठाइए उसके बाद कहीं से भी ढूंढिए आपको गूगल पे यूट्यूब पे मिल जाएगा ठीक है अफानी पे आप, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के छात्र हों और 22 का उठाइए ठीक है बहुत सारे छात्र बोलेंगे कि हमको मिली नहीं रहा फिर कहाँ से मॉडल पेपर लेंगे कहाँ से फिर बी एस सी पुराना पेपर ढूंढेंगे तो कुछ भी नहीं करना गूगल पे डालिए आप जिस भी यूनिवर्सिटी के छात्र है वहाँ पे आपको मिल जाएगा या फिर यूट्यूब पे मिल जाएगा फिलहाल आप लोग कमेंट करेंगे तो हम भी आपको प्रोवाइड करा देंगे अगर पॉसिबल होगा तो ठीक है तो पिछले फाल के दो मॉडल पेपर उठाने हैं उन्हीं को आपको सॉल्व कर लेना है यानी कि पहले मॉडल पेपर रखना उसके बाद उसका उत्तर क्वेश्चन बैंक है तो उसमें ढूंढ लीजिएगा नहीं है तो सीरीज है उसमें ढूंढ लीजिएगा बुक है तो उसमें ढूंढ लीजिएगा कुछ भी नहीं है तो इंटरनेट तो है ही फ्री में गूगल बाबा वहां पे क्वेश्चन डालिए और उत्तर को आप लोग क्या करिए तुरंत तो नोट कर लीजिए उसको स्क्रीन शॉट लीजिए नोट करिए ठीक है नोटबुक में ठीक है जिस भी आपका जो भी सब्जेक्ट हो ठीक है तो जो जो क्वेश्चन प्री यानी कि ओल्ड मॉडल पेपर जो आप उठाएंगे ठीक है उसमें से जो जो क्वेश्चन है उसका उत्तर आप गूगल पे सर्च करिए उसके बाद उसका उत्तर बुक बुक में लिखिए ठीक है इसी तरह आप जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके मॉडल पेपर में पहला मॉडल पेपर तैयार कर लीजिए ठीक है उसके लिए आप लोगों को दो दिन का समय मिल जाएगा ठीक है अब मैं ऑवरेज ले, ले लेते दो दिन ठीक है उसके बाद दूसरे साल का उठा लीजिए मॉडल पेपर उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसका उत्तर सर्च कर लीजिए गूगल पे ठीक है उसके बाद आप उसी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं उन्हीं क्वेश्चन उत्तर को तैयार करिए मैं गारंटी दे रहा हूं आप आसानी से पास हो जाएंगे आपको पास होने से कोई नहीं रो सकता मैं यहां तक की गारंटी ले रहा हूं आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे आप के जो साठ से सत्तर ठीक है अगर सौ नंबर का पेपर होता तो आप साठ से सत्तर नंबर ला सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सात दिनों की तैयारी में और सिर्फ और सिर्फ दो मतलब कि दो पेपर आपको तैयार कर लेना है पिछले साल के ठीक है एक 2021 का एक 2022 का और पेपर आप तेईस चौबीस में देने हैं वाले हैं पिछले दो सालों का उठा के देखिए उसमें जो क्वेश्चन देने को तैयार कर लीजिएगा पास होने तक के आप नंबर पा जाएंगे बाकी अगर आपको टॉप करना है तो आप सभी को मालूम कि भाई बेसिक से तैयारी करनी पड़ती है वरना सेवन डेज में अगर कोई तैयारी कर ले ठीक है तो एक जो एक साल का या फिर छः महीने का जो कोर्स होता है ये फालतू का है ठीक है लेकिन जो सबसे शानदार बेटर तरीका था मैंने आपको बता दिया इस तरीके से आप कर सकते हैं और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा ये मैं आपको भरोसा दिलाऊं अगर आप मेरे द्वारा बताए गए जो शानदार तरीका अगर आप नाएंगे ना तो आपको परीक्षा में कोई भी फील नहीं कर सकता मैं गारंटी दे रहा हूँ ठीक है और मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ अन्य भी बहुत सारे इसके तरीके जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कराएंगे उसको भी जय हिंद